हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। पूरे देश में ही कच्चे तेल के दाम रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी इसके दाम गिरने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड हाल ही में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक कार की भारी डिमांड के कारण इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को मार्केट में पेश कर रही है। मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ कंपनियां काफ़ी कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च कर रहे हैं। इसी को देखते हुए चेतन एक्सिया कंपनी ने एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है। इस कार का नाम चेतन एक्सिया इलेक्ट्रिक कार है। इस कार की कीमत काफ़ी कम है और इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कार के बारे में पूरी डिटेल्स में। सबसे पहले इस कार के रेंज और टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी सिंगल चार्ज ड्राइविंग रेंज 200 किलोमीटर की है और टॉप स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा की है। इस कार की रेंज और टॉप स्पीड बाकी कारों के हिसाब से बहुत ही कम है। चेतन एक्सिया इलेक्ट्रिक कार में 9 किलोवाट लिथियम लो फॉस्फेट बैटरी लगाई गई है और इस बैटरी को चार्ज होने में 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है। इसमें डबल बैटरी भी लगा सकते हैं। इसकी मोटर 2000 वाट पावर जनरेट करती है। इस कार की कीमत की बात करें तो इस कार की कीमत एक शोरूम प्राइस 2,30,000 रुपये से शुरू होती है और करीब 2,80,000 रुपये तक आप इसे खरीद सकते हैं। इस कार की वारंटी 1 साल तक की है। ये इलेक्ट्रिक कार देखने में और इसका डिजाइन और लुक बहुत ही आकर्षित है। अगर बात करें इस कार के डायमेंशन के बारे में तो इस कार में आपको लंबाई मिल जाता है 2,950 मिलीमीटर और चौड़ाई मिलता है 1,450 मिलीमीटर। वहीं आपको ऊँचाई मिल जाता है 1,700 मिलीमीटर। अगर बात करें इस कार के वजन के बारे में तो इस कार का वजन है 700 केजी का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।